नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूँ आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज हल्ला बोल में हम बात करेंगे बंगाल में, जहां एक बार फिर ममता बनर्जी विवादों के घेरे में आ गई हैं, जहां एक बार फिर सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल से 4 मंत्रियों को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद ममता बनर्जी खुद सीबीआई ऑफिस पहुंची और जहां पर उन्होंने सीबीआई ऑफिसर से कहा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। आपको बता दें कि फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी व विधायक मदन मोइत्रा, पूर्व मेयर शोवान चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद जमकर हंगामा किया। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज भी किए और वहीं ममता बनर्जी खुद सीबीआई ऑफिस पहुंची। मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई दफ्तर पहुंची है ममता बनर्जी, जहां तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, लाठीचार्ज किए, कई जगहों पर छापे मारे। इसके बाद ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी से पूछताछ की। पूछताछ के बाद उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान एक बार फिर केंद्रीय मंत्री और बंगाल सरकार के बीच तानातानी दिखी। अपने मंत्रियों से पूछताछ के दौरान ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई। उन्होंने सीबीआई से कहा कि आप मुझे भी गिरफ्तार करिए, सिर्फ टीएमसी नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? भाजपा में किए गए मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? उनके वकील ने भी कहा कि बिना नोटिस के मंत्री और विधायक को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ममता के सीबीआई दफ्तर जाने के बाद तृणमूल कार्यकर्ता भी वहां जमा हो गए। पथराव की भी खबर आई है। इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद सीबीआई की टीम सोमवार सुबह ही फिरहाद हाकिम के घर पहुंची। थोड़ी देर तलाशी के बाद सीबीआई उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे नारदा घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके बाद सीबीआई सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा को लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंची। इसके अलावा पूर्व भाजपा नेता शोभन चटर्जी के घर भी छापेमारी की गई। आए दिन ममता सरकार किसी न किसी विवाद में घिरी रहती है, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारना हो, मारपीट करना हो, दंगा करना हो, या फिर अब ये सीबीआई के घोटाले। अब देखना यह है कि क्या कुछ रहता है और क्या कुछ करती है ममता बनर्जी की सरकार। आज के हल्ला बोल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 19 के साथ।